आहस सरोकार। आज पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, नौसेना में शामिल होगा आईएनएस विक्रांत। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों की होगी जांच, सीएम पुष्कर धामी ने स्पीकर को लिखा खत। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की वोटर लिस्ट जारी करने की मांग। लिंगायत मठ के महंत दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। रविंद्र जडेजा बने एशिया कप टूर्नामेंट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। अलीगढ़ में आज जिला प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वो इलगास विधानसभा के ग्राम सहारा खुर्द में कार्तिकेय के प्राचीन मंदिर के सरोवर का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद मंगला यतन विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का नारा दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हमारे मंत्रिमंडल का समूह प्रत्येक मंडल में जाए और नीचे तक की कठिनाइयों को देखे। इसी के तहत अपने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी आ रहे हैं। पहले उनका कार्यक्रम मंगलायतन विश्वविद्यालय में मोदी एट द 20 यह कार्यक्रम रहेगा, उसके पश्चात इगलास नगर पंचायत का भ्रमण रहेगा और फिर सहारा खुर्द और सहारा कला, ऐसी दोनों पंचायतों को भ्रमण होने के बाद यहाँ जो सरोवर है, अमृत सरोवर है, उसका शिलान्यास रहेगा। यहाँ एक हेक्टेयर के आधार पर एक अमृत सरोवर बन रहा है तो उसका कार्यक्रम रहेगा। श्री सूर्य प्रताप शाही जी माननीय कृषि मंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है, यहाँ पर मंगलायतन यूनिवर्सिटी में उनका जो है पहले कार्यक्रम में प्रोग्राम लगा हुआ है, उसके बाद वह सारा गांव में जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने जो है अमृत सरोवर का शिलान्यास करना है एवं वहाँ पे चौपाल लगाई जाएगी, जनता की समस्या को सुना जाएगा, उसके बाद ये फिर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियाँ कर दी गई हैं। आज मेरे द्वारा जहाँ जगह जगह पर काफ़ी नगर पंचायत के सारा गाँव में एवं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जाकर जो है औचक निरीक्षण किया गया, सभी व्यवस्थाओं को देखा गया एवं जो अधीनस्थ हैं उनको जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, यहां वो पुस्तक देखो हमारी काशी के लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि वह लेखक और संपादक हेमंत शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार वाहक दत्तात्रेय होसवोले के केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफताब आलम हमसे जुड़ेंगे। अफताब आलम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वाराणसी दौरे पर हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार आज अपने दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक वह दोपहर 3:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान से बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सड़क मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे नगर निगम स्थित अंतर्राष्ट्रीय रुद्रराज सेठ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी मौजूद रहेंगे। इसके पूर्व आपको बता दें कि गुरुवार को डमी फ्लीट के से एयरपोर्ट सर्किट हाउस तक रिहर्सल किया गया था। सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बैठक की। CISF बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वायर से गहनता के साथ जांच की। डिप्टी CM सहित कई VIP का जमावड़ा, रक्षा मंत्री के अलावा केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, डिप्टी CM केशव मौर्य व ब्रिजेश पाठक सहित कई अन्य VIP का जमावड़ा रहेगा आज।
अनुप्रिया जी, जी रक्षा मंत्री वहां पे कार्यक्रम की अध्यक्षता के साथ साथ क्या वहां की जनता को भी कुछ लाभ दे सकते हैं? आपको बता दें कि पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, उसमें वो भाग ले रहे हैं, उसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक जानकारी नहीं है। जी धन्यवाद आफ्ताब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी में सूबे के लोक निर्माण मंत्री, प्रभारी मंत्री जितेंद्र प्रसाद, कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल और संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह के साथ दो दिवसीय दौरे पर खीरी पहुंचे, जहां डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी संजीव सुमन ने गुलदस्ता देकर मंत्री समूह का स्वागत किया। मंत्रिमंडल समूह माननीय कपिल देव अग्रवाल जी और मैंकेश्वर जी के साथ लखनऊ मंडल का प्रभार हमें मिला है और सौभाग्य है कि लखीमपुर आने का अवसर मिला है। आज यहाँ जनप्रतिनिधियों से, आम कार्यकर्ताओं से और जनमानस से संवाद हुआ है, समस्याएं सुझाव लिए गए हैं और कल जो है प्रशासनिक बैठक की जाएगी, जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं बिंदुवार, एक एक सरकार की जो केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं उस पर विस्तार से प्रशासन से चर्चा की जाएगी। सोनभद्र में ओबरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की आए परीक्षा परिणाम में असंतुष्ट होकर छात्रों ने कॉपी दोबारा चेक कराने की मांग करते हुए पोस्टर प्रदर्शन किया। छात्र संघ उपाध्यक्ष आकाश कनौजी और तमाम छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी में तीर्थ नगरी काशी में संतान कामना के स्नान पहले सूर्यपष्टी पर लोकार्क कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ा। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की संख्या में दंपतियों ने लोकार्क कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर वंश वृद्धि का आशीर्वाद मांगा। वहीं पूरे परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। 28 साल बाद ऐसा पहला मौका है जब संतान सप्तमी का लोकार्कपष्टी का महासहयोग बन रहा है। माँ छठ लोलाक छठ का पर्व है। आज के दिन लोग पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु लोलार कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आके लोलारक बाबा का दर्शन करते हैं, मन्नत मानते हैं पुत्र प्राप्ति का, फिर अगले वर्ष वो पुनः पुत्र लेकर आते हैं। जिसके कारण चूँकि इस वर्ष सिर्फ लोग कुंड में स्नान कर रहे हैं, बाबा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा प्रशासन का आदेश हुआ। प्रशासन ने इस वक्त मंदिर को बंद करवा दिया है। चंदौली के सदर ब्लॉक में पंचायत सचिव ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई। पंचायत सचिव ने देने से इनकार किया तो बीडीओ समेत कई कर्मचारियों ने मिलकर पंचायत सचिव की पिटाई की, जिसके बाद सचिव ने थाने जाकर बीडीओ समेत कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। कार्यरत हूँ। लगभग 3-4 माह पहले एक सुजीत कुमार नाम का एक व्यक्ति था, उसको पहलवान भी कहते हैं, वह निवासी सवारे कपसेठी का बताया जाता है। अचानक से यूं ही सदर बोल ब्लॉक पर हमारी उनसे मुलाकात हुई चाय की दुकान पर। उन्होंने बातों में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बहाली और पोस्टिंग करा दूँगा, और इस दौरान हमने उनको चाय के दौरान उनसे आश्वासन देकर वो चले गए। अराजक तत्व ब्लॉक परिसर में घुस करके एक हमारा कर्मचारी है आशीष साहनी, तो उसका कार्यालय है और उसमें जा करके मारपीट, एक बार आए तो धमकी देके गए कि 5 लाख रुपए रंगदारी दो वरना तुमको जान से मार देंगे।
फरीदाबाद के मुजसर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े गोली चली, जिसमें युवक को जांघ पर गोली लग गई, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, मेरे लड़के की कोई रंजिश नहीं थी, हमें तो ये भी नहीं पता था। एक साल पहले मेरे लड़के को, मेरी बहन को, बेटियों को, सबके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे फ़ोन से, आईडी बना बना के डुप्लीकेट। वो हमने साइबर में कंप्लेंट दे रखी थी, और अभी दो तीन दिन पहले साइबर से फ़ोन आया जो मेरे लड़के को बुलाया गया, और वहाँ लड़के को ये भी टकरा गया जिन्होंने गोली चलाई है, जिनके ऊपर आरोप है। हाँ जी, लेकिन हमें कभी भी नहीं पता पड़ा था कि ये है, लेकिन हमें शक हो गया था। दूसरे दिन इन लड़कों का बाप मेरे घर पे ऑटोमेटिक अपने आप सुबह आ गया कि भाई मेरे लड़कों से गलती हो गई है, तू चल हमारे पास वहाँ पे साइबर में और राजीनामा लेके आ। बस इसने फ़ोन करके मेरे पास बैठ कर गए और तुरंत ही अपने लड़कों को बुलाया घर से, और आते ही सीधी गोली चलाई लड़के। ये के पुरानी झगड़े का मामला है, जो पीड़ित जिसको चोट लगी है, गोली लगी है मोनू, इसकी फेसबुक पे जो दूसरा पक्ष है उसने कुछ गाली गलौज कर रखी थी, जिसकी शिकायत दी गई थी, और इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें पुलिस इन तक पहुंची थी, तो इनको बुलाया गया था। तो उस बुलाने के बाद फिर ये जो दूसरा पक्ष है आज उनसे बातचीत करने गया था, अब भी इसको देख लेते हैं, अभी कोई बात नहीं जो भी हुआ, लेकिन इसी दौरान इनकी आपसी बहस हुई तो में, जिसमें इन्होंने जो साहिल और निखिल है, इन्होंने मेरे से गोली चला दी, जिससे पीड़ित मोनू को पैर में गोली छोकर निकल गई। गाजीपुर में भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के सोफीपुर और इमानीपुर गांव के सिवान में खेत में धान की सुवाई कर रहे बाप बेटे और मां की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर तहसीलदार कोतवाल ने शव कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि बहुत ही दुखद घटना घटी है, जिससे परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। चार बजे के आसपास गांव सोफीपुर में बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु हो गई है। हीरा राम पुत्र विक्रम राम है, उनकी उम्र 65 वर्ष, फूलमती इनकी पत्नी फूलमती देवी, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, और एक बेटा रमेश कुमार जिसकी उम्र 35 वर्ष है। कि आकाशीय विद्युत गिरने से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। हरदोई में संडीला थाना क्षेत्र के मलाया में एक बच्चे को अगवा करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बच्चे को स्कूल जाते समय कुछ नाकाबपोश बदमाशों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा किया, पर खेत में काम कर रहे मजदूरों को देखकर बदमाशों ने बच्चों को वहीं खेत में छोड़कर भाग गए, जिसके बाद पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। ये है कि बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल गया था न्यू आदिल डिग्री कॉलेज, वहाँ पे जस्ट 10 फीट दूरी पे एक पुलिया है, उस पुलिया पे कुछ अज्ञात लोग बैठे हुए थे नकाब पहने हुए, बच्चे को कोई केमिकल वगैरह डाल दिया, उसके जरिए से वो बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद बच्चे को ये टू व्हीलर बाइक से थे लोग, उसको आगे झाड़ियों में डाल दिया, जो उसी पुलिया के पास से एक रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता डिग्री कॉलेज से बहादुरखेड़ा के लिए, तो लगभग 200 फीट दूरी पे झाड़ियां हैं, वहां पे बच्चे को डाल दिया बेहोशी की हालत में। बिजनौर की नगीना थाना क्षेत्र के लुहारी सराय इलाके में एक ऐसी कलयुगी मां का चेहरा सामने आया है, जिसने अपने इश्क की खातिर अपने मासूम बच्चे के अपहरण का नाटक रचकर बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के जरिए हुए खुलासे में कातिल मां समाज के सामने बेनकाब हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। 31 अगस्त को कस्बावा थाना नगीना के मोहल्ला लुहारी सराय के एक व्यक्ति ने यह अभियोग पंजीकृत कराया कि उसकी भाभी ने 6 माह के बेटे को मार डाला, मार के फेंक दिया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके थाना नगीना की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब मृतक की मां की गिरफ्तारी की गई तो पूछताछ में उसने बताया कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग था, जिसमें यह बच्चा बाधक बन रहा था,
जिसके कारण उसकी हत्या इसने कर दी। महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये मामला बाहर आके निकले, हम तो कुछ नहीं थे, मगरिब का शरका टाइम का मामला है, ईशा का 8:30 बजे का। यहाँ देखो भीड़ लगी पड़ी है, तो ये बोल रहे हैं क्या नाम, ये कोई बच्चा ले गया है, छीन के बच्चा ले गया है, ठीक है। और जब पता लगा, पुलिस को इत्तला करी, ढूंढबाली करी, तो कुछ देर कैमरे में चेक करे तो वो बच्ची जो है बच्चा डालते हुए नाले में दिखाई दी है। अब इसमें एक हमारा वो है रिश्तेदार है, तो उसने नाले में घुसा और बच्चों को निकाला, निकाल के जो कंधे पर लगा के उसने पूरी पब्लिक जितनी भी है सब डॉक्टर के यहाँ भागी है। अब डॉक्टर के यहाँ भागी तो बच्चा मर चुका था। अब माँ जो है, जिसका बच्चा है, माँ तो तड़प जाती है, निकल जाती है बाहर। माँ बिल्कुल बर भी जर से भी बाहर नहीं निकली, डॉक्टर तक के नहीं गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।